हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। प्रदेश में मतदान और हरियाणा की तारीखों का ऐलान हो गया। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों के लिए 1 अक्टूबर को मतदान होगा, 4 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। वोटर सूची 27 अगस्त को जारी होगी। इस बार हरियाणा में स्लम और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अलग से पोलिंग बूथ लगाए जाएंगे। गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में सोसाइटी में पोलिंग स्टेशन बनेंगे। हरियाणा की 90 में से 73 सीटें सामान्य हैं। प्रदेश में 20,629 पोलिंग स्टेशन होंगे। सभी पोलिंग स्टेशन सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे और वोटर हेल्पलाइन की वेबसाइट जारी रहेगी। इस बार हरियाणा में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही माना जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी पहली बार सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इससे मुकाबला रोचक होने के आसार हैं। वहीं जननायक जनता पार्टी भी इतिहास दोहराने के लिए मैदान में उतरेगी। हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं, बहुमत के लिए 46 का आंकड़ा चाहिए। पिछली बार भाजपा 40 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। इसके बाद भाजपा ने 10 सीटें जीतने वाली जजपा के साथ मिलकर सरकार का गठन किया था। कांग्रेस को 31 सीटें मिली थीं, एक एक सीट इनेलो और हलोपा के खाते में आई थी। 7 सीटें निर्दलियों ने जीती थी। इनेलो इस बार बसपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। वहीं लोकसभा चुनाव में एक साथ मैदान में उतरी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग ही चुनाव लड़ेंगी। निर्वाचन आयोग ने 2 दिन के दौरान हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की थी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर SS संधु के साथ 2 दिन में राजनीतिक दल, जिला निर्वाचन अधिकारी और 20 केंद्रीय और राज्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बैठक की थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।